गई हूँ। कना, कना, मैं की पता नहीं कहाँ चला गया। कना, तुम लोगों के जाने के बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। तुम अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाइयों, कना, पता नहीं वो क्या कर डालेगा। इन दोनों ने झूठा इल्जाम जो लगाया, वो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। 10 साल पहले इस लड़की ने जो झूठा इल्जाम लगाया, उसकी वजह से वो खुदकुशी करने गया। नहीं, अब पता नहीं क्या कर लेगा। अम्मा, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो बैठो, आ जाएंगे। उसके पास फोन भी नहीं है। करना, रुको रुको, हम जाकर उन्हें देखते हैं, ठीक है? शांत रहो आप, प्लीज। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। करना, मेरी क्या हालत हो गई, मैं बहुत परेशान थी। करना, मम्मा, इस बार मैं खुद को खत्म करने नहीं गया था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करने गया था। आप सब डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी बेगुनाही का सबूत, जिसे प्रूफ हो जाएगा कि मैंने बलात्कार नहीं किया, मैंने मिश्का के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बलात्कार तो हुआ ही नहीं था आपा। Excuse me, मुझे मिश्का सिंघानिया की रिपोर्ट चेक करनी है उस लैपटॉप में। थैंक यू। नेगेटिव? साफ लिखा है कि मिश्का के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ओ, तो ये दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं। अब मैं इनको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मिश्का की रिपोर्ट। जीपीएस, क्या है ये? नेगेटिव। जो रिपोर्ट रुद्र ने बताया था ना, वो रिपोर्ट झूठ था, बिल्कुल झूठ था। रुद्रा ने हम सबको नकली रिपोर्ट बनाकर दिखाई थी। असली रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। क्लियरली लिखा हुआ था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, पर पता नहीं ये मिश्का और रुद्रा ने सच क्यों छुपाया आप सबसे और सबको ये बताया कि मैंने जी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मा पापा, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं रुद्रा मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्या ये क्या ना जो बोल रहे हैं वो सच है? अन्ना जो बोल रहे हैं वो सच है? तुमने मुझे झूठी रिपोर्ट बताई। रुद्र बोलो ना, मेरी आंखों में देखो, अन्ना जो बोल रहे हैं वो सच है? तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठी रिपोर्ट बताई। क्या मिश्का के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था? बोलो रुद्र। प्रीशा प्लीज, प्लीज प्रीशा, प्रीशा रुद्र को ब्लेम मत करो प्लीज। रुद्र सिर्फ मेरी मदद कर रहा था प्रीशा। ये सच है कि वेंकी मेरी रूम में आया था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसके बाद उसने मुझे बेहोश किया था, उसके बाद उसने सब कुछ ऐसा सेट किया था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि ताकि सबको ऐसा लगे कि मेरे साथ एक्चुअली बलात्कार हुआ है।
क्योंकि शायद वो मुझसे बदला लेना चाहता था 10 साल पहले का, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और जहाँ तक रही रिपोर्ट्स की बात, तो रुद्र ने फेक रिपोर्ट्स इसीलिए दिखाई क्योंकि मैं और रुद्र चाहते थे कि वेंकी सबके सामने सच कबूल कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमारा प्लान। प्रीशा, प्रीशा लिसन टू मी, बोलो रुद्र, मेरी आंखों में देखो, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, अन्ना सच बोल रहे, तुमने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया, झूठी रिपोर्ट दिखाई मुझे, बोलो रुद्र। अगर ऐसा है तो हमारे बीच में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया रुद्र, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। सब खत्म हो गया रुद्र, सब खत्म हो गया। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मेरी बात तो सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुना है मुझे, हमारा ऐसा रिश्ता है ही नहीं जिसमें झूठ की कोई जगह हो। हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, सब बताया एक दूसरे को, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें साथ मिलकर पार की, सबका साथ मिलकर सामना किया एक होकर, और अभी तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मेरे अन्ना को झूठा साबित करने के लिए, उन्हें गलत साबित करने के लिए, जबकि तुम्हें सब पता था कि अन्ना ने कुछ नहीं किया, पता था ना तुम्हें, फिर भी तुमने झूठ बोला, किसके लिए? मिश्का के लिए? अरे मैं तो तुम दोनों के साथ मिलकर अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई, और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे झूठ बोला, मेरा इस्तेमाल किया मेरे अन्ना के खिलाफ, इन्हें गलत साबित करने के लिए। तुम्हें तो पता था ना मिश्का वही लड़की है जिसने 10 साल पहले अन्ना के ऊपर ऐसा ही इल्जाम लगाया था, इनकी पूरी लाइफ खत्म कर दी। इतना कुछ सहा हमने, वो भी याद नहीं आया तुम्हें? नहीं रुद, बात भी बताना, मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश की है तुमने, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रुद्र। प्रीशा प्लीज ऐसा मत करो, तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे। प्रीशा रुद्र की गलती, मैं तुम दोनों के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई, और तुमने वही किया जो तुमने 10 साल पहले किया था। प्रीशा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैंने ही जिद की, इससे मैंने इसे कहा कि ये हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा, तुमने सोचा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, तुम सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हो, सामने वाले की परवाह नहीं करते। ये सोचा तुमने कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे परिवार पर क्या बीतेगी, अन्ना पर क्या बीतेगी, सोचा तुमने? नहीं ना, इसलिए अब मैं भी यही करूंगी, सिर्फ खुद का सोचूंगी, इसलिए मैं पीछे हट रही हूं रुद्र। नहीं रुद्र, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहां से।